इस वीडियो में परसेंटेजेस एंड एवरेजेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक NTS, GATE, NET या GATE जनरल, GATE सब्जेक्ट, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द परसेंटेजेस। द फर्स्ट वन इज 80% ऑफ अ नंबर एडिड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज अ नंबर इटसेल्फ। देन द नंबर इज 80% ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर हो उस नंबर का आपने 80% लेना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एड 80 टू दैट नंबर, सो द नंबर वुड बी इटसेल्फ, लाइक द रिजल्ट वुड बी दैट नंबर इटसेल्फ। देन द नंबर इज, वो नंबर हमने फाइंड कर देना है। मैं अज्यूम कर देता हूँ कि लेट एक्स बी द नंबर विच इज एडेड टू 80। ओके, एक्स मैंने अज्यूम कर दिया कि दिस नंबर इज एक्स। नो, द फर्स्ट कंडीशन इज 80% ऑफ अ नंबर, तो 80% ऑफ x इज इक्वल टू 0.8x। परसेंटेजेस की जगह पर आपने 1/100 लिख देना है। ऑफ x मीन मल्टीप्लाई बाई x, तो 80/100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 0.8x। ओके, नाउ द सेकंड कंडीशन इज एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। अब मैं इसके साथ 88 कर देता हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा, एज अ नंबर इटसेल्फ जो हमने अज्यूम किया है। अब ये एक सिंपल इक्वेशन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 0.8x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 80/0.2 एंड दिस इज इक्वल टू 400। सो द 400 ऐसा नंबर है जिसके साथ आप, जिसका 80% आप ले लें और इसके बाद 80 आप इसके साथ ऐड कर दें, तो देट वुड बी 400। ओके, तो विच इज़ वेरी इजी। द सेकंड वन इज फाइंड 100/3% ऑफ 600। ओके, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुकी है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है क्वांटिटेटिव पोर्शन में। अब यहाँ पर देखें कि परसेंटेज साइन जहाँ पर भी आए और आपसे ये पूछा है कि कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डेसिमल या फ्रैक्शन, तो परसेंटेजेस की जगह पर आपने 1/100 लिख देना है। अब यहाँ पर 100/3 अपनी जगह पर 1/100 जो है मैंने परसेंटेजेस की जगह पर लिख दिया। मल्टीप्लाई जो है ऑफ की जगह पर आपने मल्टीप्लाई लिख दी है, और 600 जो है अपनी जगह पर। अब ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, ये कर दो एंड यू विल गेट द आंसर विच इज़ 200। ओके, द नेक्स्ट इज इफ 120 इज 20% ऑफ नंबर, देन द 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। ओके, इफ 120 इज द रिजल्ट ऑफ 20% ऑफ नंबर, ये एक नंबर है। ओके, अब उस नंबर का 20% ले लें, देट इज इक्वल टू 120। अब 120 इज द रिजल्ट। ओके, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। ओके, अब इस नंबर का 120% ले लो, और तो रिजल्ट क्या आएगा। मैं यहाँ पर अज्यूम कर देता हूँ कि लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, ये नंबर जो है ये एक्स के बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स मल्टीप्लाई बाई 20/100 का क्या मतलब है कि 20%। क्वेश्चन में दिया है कि 20% ऑफ अ नंबर, तो नंबर तो मैंने एक्स अज्यूम किया, तो 20% ऑफ अ नंबर मीन एक्स मल्टीप्लाई बाई 20/100 इज इक्वल टू 120 के बराबर है। ओके, एक्स इज इक्वल टू 600। अब इसको आप सॉल्व कर दें इस इक्वेशन को, x इज इक्वल टू 600 आ जाएगा। नाउ रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड तो नहीं है। अब इस नंबर का आपने 120% लेना है, कैसे लोगे, 120/100 लिख दे एंड मल्टीप्लाई कर दे, सॉल्व कर दे एंड यू विल गेट द आंसर विच इज़ 720। ओके, विच इज़ वेरी इजी। द नेक्स्ट वन इज 498 इज 17% लेस देन अ नंबर देन द नंबर इज। ओके, 498 इज द रिजल्ट, इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, 17% लेस देन अ नंबर। 17% लेस देन अ नंबर मीन इस नंबर से कोई भी नंबर हो, ये नंबर हमने फाइंड कर देना है, इस नंबर से आपने 17% मीन 17/100 आपने माइनस कर देना है, लेस का मतलब है सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स जो है हम फाइंड करने वाले हैं, माइनस यहाँ पर शो करता है कि लेस देन 17x, 17% / 100। ओके, इज इक्वल टू रिजल्ट क्या है, 498।
अब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड कर दो, विच इज इक्वल टू 600. ओके, द नेक्स्ट वन इज इफ 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इनकम, देन द बी इनकम इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए इनकम, द वैल्यू ऑफ x इज. ओके, अब क्वेश्चन को यहाँ पर देके और डायरेक्टली इक्वेशन बनाना आप स्टार्ट कर दे. ओके, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 60 मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइडेड बाई 100. ओके, 60% का मतलब है 60% ऑफ ए मीन 60 मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइडेड बाई 100 किस चीज़ के बराबर है? 75 मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई 100 के बराबर है. ओके, अब यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 5b हो जाएगा. अब b की वैल्यू हमने फाइंड कर देनी है, विच इज़ 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ए आ जाएगा. ओके, नाउ देन के बाद क्या है? b इनकम इज इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ a. अब यहाँ पर लिख दें कि b इनकम जो है इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई x डिवाइडेड बाई 100. x परसेंटेज ऑफ a, x डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई a. मैंने कहा था कि ऑफ के जगह पर आपने मल्टीप्लिकेशन लिख देनी है और x की जगह पर आपने परसेंटेजेस की जगह पर आपने 1 डिवाइडेड बाई 100 लिख देना है. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b. इस इक्वेशन में आपने b की वैल्यू पुट कर देनी है, विच इज़ 4 डिवाइडेड बाई 5. अब 4 डिवाइडेड बाई 5 आप लिख दें, ए यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा और x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5 रह जाएगा. आप इससे आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ x इज इक्वल टू 80. ओके, विच इज़ ईजी. नाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन एजेस. एजेस के रिलेटेड भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग में प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज होते हैं. द फर्स्ट वन इज द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच इज 50 ईयर्स. सम दिया हुआ है. ओके, समेशन. व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? ओके, यहाँ पर एग्जम्पशंस के बगैर एजेस के क्वेश्चन जो है नहीं हो सकते या मुश्किल से हो सकते हैं. यहाँ पर आप देखें कि मैं एग्ज्यूम कर देता हूँ कि दिस इज़ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रंस. अब इंटरवल्स क्या है? 3 ईयर्स. तो एक बच्चा जो है एक्स ईयर में पैदा हो गया, तो दूसरा एक्स प्लस 3, तीसरा एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 12. इन 3, 6, 9, 12 यहाँ डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? इसमें 3 है और यहाँ पर 3 ईयर जो है इंटरवल है. ओके, नो, यहाँ पर दिया हुआ है कि सम ऑफ एजेस. तो मैं इन सब का एजेस जो है सम कर देता हूँ. अब ये एक सिंपल इक्वेशन है. एक्स की वैल्यू आप ऐड कर दो, विच इज़ 5x इज इक्वल टू 20, एक्स इज इक्वल टू 4. अब x इज़ डेफिनेटली द यंगेस्ट वन. अगर यहाँ पर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट वन, तो यहाँ पर देखें कि x प्लस 12 इज़ द ओल्डेस्ट वन. तो x इज इक्वल टू 4 एंड 12 इज़ द वैल्यू. सो 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 इज़ द ओल्डेस्ट एज. अब यहाँ पर ये तो पूछा गया है नहीं है क्वेश्चन में, ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए ये किया. ओके, द नेक्स्ट एज इज एमसीक्यूज इज ए इज 2 ईयर ओल्डर देन बी who is twice as old as C. If the total of the age of A, B and C be 27, how old is B? Okay, A is 2 year older than B, who is twice as old than C. A जो है B से 2 साल बड़ा है और B जो है C से दुगना कम है. अब यहाँ पर इक्वेशन से हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखें कि लेट C एज इज़ बी एक्स ईयर. C का एज मैंने एज्यूम कर दिया कि एक्स ईयर है. ओके, देन B एज इज इक्वल टू 2x ईयर. ओके, B एज क्यों 2x ईयर है? क्योंकि यहाँ पर देखें कि B हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज C. ओके, तो B एज इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, क्योंकि C जो है यहाँ पर मैंने एज्यूम कर दिया कि x के बराबर है. अब A एज क्या होगा? A इज़ 2 ईयर ओल्डर देन, इट मीन के प्लस 2. ओके, और ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, तो इट मीन 2x. तो ए एज इज इक्वल टू 2x प्लस 2 ईयर्स हो जाएगा. नाउ इफ द टोटल ऑफ द एज ऑफ ए बी एंड सी बी 27, हाउ ओल्ड इज बी? ओके, अब आपने इन सब का यहाँ पर देखे, सी एज इज x, बी एज इज 2x,
इन ए एज इज़ 2x+2 ब्रैकेट में डिफरेंट डिफरेंट जो है लिखा हुआ है, और यहाँ पर दिया है कि टोटल एज ऑफ ए बी एंड सी इज़ 27। तो इक्विलिटी के राइट सेट पर 27 है ओके। तो यहाँ पर आप आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ x इज़ इक्वल टू 5 एंड दिस इज़ द एज ऑफ c। बट यहाँ पर देखें कि c का एज जो है रिक्वायर्ड नहीं है। हाउ ओल्ड इज़ b? तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दें, विच इज़ 10 ईयर, द b एज इज़ 10 ईयर ओके। अमीन इज़ 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन, इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज़ ओके। अमीन यहाँ पर देखें कि मैं एग्जम्पशन की तरफ जाता हूँ, लेट द सन सन्स पेरेंट्स एज बी एक्स ईयर ओके। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेट द सन एज बी एक्स ईयर, ओनली द सन एज बी एक्स ईयर। नो द मेन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 24 ईयर। तो एक्स जो है सन का एज है ओके, प्लस 24 ईयर। प्रेजेंट एज क्या है कि 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन। अब यहाँ पर देखें कि फादर का एज जो है बेटे के एज से 24 साल ज़्यादा है, तो प्लस 24 ईयर। आफ्टर देर x प्लस 24 + 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 कैसे आया ओके। इन 2 ईयर्स इसका मतलब है आफ्टर 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। x प्लस 24 जो है ये बाप फादर का एज है, प्लस 2 मीन आफ्टर 2 ईयर। और यहाँ पर x जो है बेटे का एज है, प्लस 2 मीन आफ्टर 2 ईयर। अब 2 साल गुजरेगा तो दोनों पे गुजरेगा ना, सिर्फ पेरेंट पे तो नहीं गुजरेगा या सिर्फ बेटे पर तो नहीं गुजरेगा। और यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, इसलिए कि बी द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन ओके। इसलिए ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज़। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर देनी है, और ये एक सिंपल इक्वेशन है, आप इससे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ x इज़ इक्वल टू 22 ओके। So that was all about in this video. For more videos, make sure to subscribe to this channel. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. Thanks for watching.